वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग से शेयर करने जा रही हूँ एक साड़ी जो काफ़ी टाइम से मेरी एक व्यूअर थे, काफ़ी टाइम से मुझे रिक्वेस्ट करी थी कि दी आप एक ब्लैक साड़ी की रिव्यू करो, ब्लैक साड़ी की रिव्यू करो, और मेरे पास नहीं थी तो मैंने उसे मंगवाया है। और फ्रेंड, आज की मेरी वीडियो उसी नवरात्रि सीरीज की वीडियो है, सो प्लीज़ मेरी सीरीज कंटिन्यू रहेगी और आप मेरा वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। और फ्रेंड, मैंने कभी ब्लैक साड़ी परचेज नहीं की है और बाई किया है बस उनके कहने की वजह से, और मैं पहनूंगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर किया करिए। सो फ्रेंड, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है मेरी साड़ी जो ब्लैक कलर की, और मैंने ना इसको फॉल पिको करवा लिया है क्योंकि पहननी थी और मैं आपको वेयर करके भी दिखाती हूँ तो फॉल पिको नहीं रहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। फ्रेंड, ये मैंने फ्लिपकार्ट से बाई किया है, ये आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगी, मैं दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ। सो फ्रेंड्स, ये है साड़ी। अब चलिए मैं इसको खोल के दिखा देती हूँ कि ये कैसी आई है। मुझे इसके साथ ना इसकी ब्लाउज नहीं रिसीव हुई है, दिखाया तो गया था कि इसकी ब्लाउज साथ में है रेड कलर की, बट मुझे रिसीव नहीं हुई है तो मुझे अलग से एक ब्लाउज लेनी पड़ी है और मैं उसी के साथ इसको वेयर करूंगी। और आप बिलीव नहीं करोगे मैंने इसको कितने में बाय किया है, ओनली 400, सिर्फ 400 की ये साड़ी है फ्रेंड। और अभी इसकी प्राइस जो है ना अप एंड डाउन हो रही है, मीन्स अभी भी ये है लेकिन 600 समथिंग, मुझे एग्जैक्टली MRP याद नहीं है, मैं स्क्रीन पर मैंशन कर दूंगी। तो चलिए मैं इसे खोल लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी आई है। फ्रेंड्स, ये साड़ी दिवास्त्री ब्रांड की है, सो चलिए इसे खोल लेती हूँ। आप देख सकते हो मैंने इसे पिको करवा रखा और ब्लाउज भी इनफैक्ट रिसीव नहीं हुई है। फ्रेंड्स, मैं जब इसकी रिव्यू देख रही थी तो सारे लोगों ने मुझे कहा था कि इसकी ब्लाउज रिसीव हुई है, बट हो सकता है मुझे ही इसकी ब्लाउज नहीं मिली है। चलिए फ्रेंड, मैं आपको साड़ी अच्छे से दिखा देती हूँ ताकि आपके मन में कोई शंका ना रहे कि ये साड़ी कैसी आई है। सो फ्रेंड्स, ये है इसकी साड़ी, और अगर मैं इसकी फैब्रिक की बात करूँ तो ये सिल्क है और ये 8 सिल्क में है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। और ये पूरी साड़ी आपको प्लेन मिलेगी, ये आपका स्टार्ट होता है कमर से, ये साड़ी आपको पूरी प्लेन में रिसीव होगी और जस्ट यहां से स्टार्ट होता है आपका आंचल, मीन्स ये आपके कमर के साइड आ जाएगा। और कितने अच्छे से कॉम्बिनेशन है इसकी रेड ब्लैक एंड गोल्डन की, अमेजिंग लग रही है। पूरी साड़ी ब्लैक है और उस पर लेस दिया हुआ है रेड, येलो और गोल्डन, और इसकी लेस काफी ज्यादा अच्छी लग रही है मुझे, आपको अच्छे से दिखा दे रही हूं। और फिर आपके जो पल्ले में है यानी जो आंचल के नीचे जाता है उसमें इस टाइप की आपको डिजाइन रिसीव होगी जो कि और भी ज्यादा प्यारी लग रही है। मुझे इसकी सबसे खास बात क्या रखी है, कलर कॉम्बिनेशन जो कि वाव है। और फ्रेंड, ये तो मैंने साड़ी दिखा दी और आप देख सकते हो साड़ी के बीच बीच में एक लाइनिंग बनी हुई है जो आपको पूरे साड़ी में रिसीव होगी। हाँ, ये थोड़ी ट्रांसपेरेंट है बट पेटीकोट पहनने के बाद ये ट्रांसपेरेंट नहीं लगती है, सो ठीक है। और फ्रेंड, ये तो मैंने आपको साड़ी दिखा दिया है, अब चलिए मैं इसका नीचे साइड दिखा देती हूँ क्योंकि नीचे भी इसकी लेस लगी हुई है। यहाँ से स्टार्ट होती है फ्रेंड्स की लेस जो कि आपके नीचे जो आप प्लेट बनाओगे ना ये प्लेट में आ जाएगी, यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी और एकदम एंडिंग तक ये आपको लेस मिल जाएगी। मैंने इसको फॉल करवा रखा है सो प्लीज डोंट माइंड। और ये आपकी यहाँ तक आ जाएगी जो कि आपके पल्लू में आके जुड़ जाएगी। अब फ्रेंड, देखना ये है कि मैं इस ब्लैक साड़ी में कैसी लगती हूँ, और अगर आपको ब्लैक साड़ी लेना है तो आप इसको बाय कर सकते हो। और इसी टाइप की साड़ी की मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2-3 और लिंक शेयर कर दूंगी, अगर आपको ये साड़ी नहीं पसंद आ रहा है तो 2-3 और साड़ी है जो मेरे विशलिस्ट में थी तो मैं उसमें शेयर कर दूंगी, आप चाहो तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, मैंने उसकी रेटिंग और रिव्यू देख करके आप लोग के लिए शेयर किया है। सो फ्रेंड्स, ओवरऑल मुझे इसकी फैब्रिक क्वालिटी और कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगा है। 400 में फ्रेंड मस्त साड़ी है, कहते हैं ना चीप एंड बेस्ट, तो ये मेरे लिए चीप एंड बेस्ट है जो कि पूरी साड़ी मुझे यहाँ रिसीव हुई है। इनफैक्ट इसकी फैब्रिक काफ़ी सॉफ्ट है,
आपको पहनने पे ये चुभने वाली भी नहीं है। फ्रेंड इस साड़ी को आप किसी भी पार्टी फंक्शन और पूजा वगैरह में पहन के अटेंड कर सकते हो। और फ्रेंड ये रेगुलर साड़ी भी है, आप इसे अपने रेगुलर डे में भी यूज कर सकते हो। इसकी ना पैटर्न खराब होने वाली है, ना डिजाइन खराब होने वाली है, ना साड़ी खराब होने वाली, तो सारी टेंशन ही खत्म है। तो चलिए फ्रेंड मैं इसको पहन के आती हूँ और आपको बताती हूँ कि मेरे ऊपर ये कैसे लग रही है। और ये ब्लैक साड़ी ना मेरी फर्स्ट है, सो प्लीज कमेंट करना नहीं भूलिएगा। जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे अभी नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगे ना तो प्लीज लाइक करना नहीं भूलिएगा। सो फ्रेंड्स मैंने इसको वेयर कर लिया है, कैसी लग रही है प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये साड़ी बहुत ही लाइट वेट है और कम्फर्टेबल है, आराम से इसे पहन सकते हो। ने रेडीमेड ब्लाउज के साथ पहना है जो कि इसकी कलर कॉम्बिनेशन अच्छी बैठ गई है और पूरी मैच हो गई है इसके साथ ये साड़ी। अच्छी लगी, आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना नहीं भूलिएगा। और मेरी ऐसी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे भी नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। अगर वीडियो आपको मेरा अच्छा लगता हो तो लाइक किया कर। आपको ये साड़ी कैसी लगी मुझे ये कमेंट करके बताइएगा, और मैं कैसी लग रही हूँ ना ये भी कमेंट करके बताना है। और मिलती है अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।